जैसा आप देख रहे होंगे ये डीडी फ्री डिश का बॉक्स है जो मैंने ओपन कर रखा है। तो आज मैं आपको इसकी बेसिक बताने वाला हूँ। बेसिक का मतलब है कोई भी बंदा जो मैकेनिक भी ना हो उसका बॉक्स ख़राब हो जाए तो सबसे पहले क्या करे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे बॉक्स में लाइट नहीं आ रही तो हम ये लीड चेंज करेंगे या चेक करेंगे ये ठीक है कि नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमारे बॉक्स के पीछे देखो ये ऑन ऑफ स्विच लगा होता है, ये बहुत बार यही ख़राब हो जाता है। तो इस ऑन ऑफ स्विच को हम चेंज करके देख लेंगे, नहीं तो इसको ऐसे यहाँ पे शॉर्ट करके देख लेंगे, ऐसे शॉर्ट करके, जिससे हमें पता लग जाएगा हमारा स्विच ठीक है या ख़राब है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टॉपिक पर अब मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपको अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। सबसे पहले लाइट नहीं आ रही है तो अपनी लीड चेक करो, लीड के बाद ये स्विच चेक करो ऑन ऑफ वाला। थर्ड ये यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा के फ्यूज भी लगा सकते हो इसकी जगह आप, ठीक है ये चेक करो। और मल्टीमीटर है तो यहाँ पे 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट चेक करो। उसके बाद अगर आपके बॉक्स में सप्लाई आ रही है, सप्लाई तो आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, तो उसके लिए जो यहाँ पे हम लीड लगाते हैं 3RC लीड, वो चेक करो। आपकी 3RC लीड ख़राब हो जाएगी तो भी पिक्चर नहीं आएगी। और अगर पिक्चर तो आ रही है लेकिन आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ में हमिंग की आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है, तो ये लीड चेंज कर लो। ऑडियो वाली तारें आपकी ख़राब हो सकती हैं। कई बार लोग कहते हैं बॉक्स में कमी है, बॉक्स की कमी नहीं होती है, 3RC लीड आपकी ख़राब होती है, उस वजह से ये दिक्कत आती है। तो 3 तार वाली लीड चेंज कर लोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। टीवी की आवाज़ रखो कम और सेट टॉप बॉक्स की आवाज़ रखो बढ़ा के ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी हमिंग कम रहेगी हमेशा। लोग क्या करते हैं टीवी की आवाज़ पूरी करते हैं, सेट टॉप बॉक्स ही बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से जो टीवी की आउटपुट ज़्यादा होती है तो वो हमिंग की रूप ले लेती है। और जब यहाँ पर आप सप्लाई चेक कर लोगे तो कुछ और बेसिक प्रॉब्लम बता देता हूँ। नो सिग्नल आना, नो सिग्नल में कई बार यहाँ लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे सॉकेट लगाते हैं ना यहाँ पे, उसमें क्या करते हैं जाली वाली तार हटी रहती है, साइड ऊपर रहती है, बस मेन तार लगा के रखते हैं तो अभी कहाँ से सिग्नल आएंगे। यहाँ से वोल्ट जाती है दोनों तारों में LNB में, तो अपनी दोनों तारें प्रॉपर कर लें और आपस में शॉर्ट भी ना होने दें। शॉर्ट होते ही आपका सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो जाएगा या इसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है आपको। अगर आपका DTH बंद हो या ऑडियो वीडियो ना आ रही हो या फिर नो सिग्नल की प्रॉब्लम हो, कोई मैकेनिक लाइन का बंदा हो तो इस कार्ड की पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। इसको कैसे रिपेयर करें, कहाँ से कितनी वोल्टेज मिलेगी, और उसके बाद ये सप्लाई की मैं वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियो में ही कोई भी बंदा होगा ना जो अनजान, जो जानता भी ना होगा ना सेट टॉप बॉक्स को, वो भी इसका मैकेनिक बन जाएगा।